मास्टर जी, हा? सारे खेल में आपका शिष्य ही जीतता है, आपके शिष्य को कोई नहीं हरा सकता। ए पागल, मैं नहीं हूँ क्या? देखा तूने? मैंने तुझसे कहा था ना, हमारे आने से पहले ही ये सूर्या का इंतजार कर रही होगी। अगर तूने जल्द से जल्द सूर्या को प्रपोज नहीं किया ना, तो देख लेना ये उसे उठाकर ले जाएगी। जरा ये बैग पकड़, मैं आती हूँ। ए क्या है बे, सुबह सुबह उस पर लाइन मार रही है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। संभल जा वरना ठीक नहीं होगा। वो मेरी पसंद है, मैं किसी से भी प्यार करूँ, तू कौन होती है बोलने वाली? ए तू किसी भी लड़के पर लाइन मार सकती है, पर सूर्या को छोड़ दे, वो मेरा है। तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं भी उसे पसंद करती हूँ, देखती जा, एसएसएलसी खत्म होने से पहले ना उसे उठा कर ले जाऊंगी। ए दीपा, मुझे तो लगता है आज इस चंद्रिका का मर्डर कर दूंगी मैं। अरे यार ये सब सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि जब तक ये भार्गव है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सूर्या मुझे पसंद करता है। सूर्या सिर्फ मेरा है, मेरा है। ओ हो, बंद करो तुम लोग अपना झगड़ा। सूर्या ना सिर्फ तुम्हारा है और ना ही सिर्फ तुम्हारा, वो पूरी दुनिया का है। सूर्या मेरा शिष्य है, समझी क्या? चलो अब क्लास का वक्त हो गया, अंदर जाओ। मास्टर जी, इस दुनिया में सूर्या के लिए सिर्फ भार्गवी है, मैं और किसी को आने नहीं दूंगी। ओके, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। न्यू टीचर अच्छी है ना? जरा पीछे होकर देखना। क्लास के बाद कैंटीन जाएंगे। तू मुझे सौतन बोल रही है? बोलूंगी, क्या कर लेगी बोल? तू है, तू सौतन है, हम दोनों के बीच आ रही है। तू है, चल जा यहाँ से। तू निकल ना, चल जा यहाँ से। चंद्रिका, अरे भार्गवी छोड़ो इसे। चंद्रिका तुम जाओ यहाँ से। क्या भार्गवी, स्कूल खत्म होने में अभी 3 महीने बचे हैं, फ्रेंड्स बनकर तुम नहीं रह सकती हो क्या? ऐसे झगड़ा क्यों कर रही हो? सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, जाओ। ठीक है चलो, क्लास में हूँ। ए सूर्या, तुम्हारे लिए छोटा सा झगड़ा क्या, पूरा युद्ध लड़ने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ ये भार्गवी है। ओह शिट। अब देख, गुड शॉट। इसका सिर्फ यही गुड शॉट है भार्गवी के सामने। ठुस। ठुस है कि फुस है ये बाद में पता चलेगा। अरे छम्मक छल्लो, मुद्दापुर के लड़के से तू प्यार करती है क्यों? हमारे गांव में लड़के कम पड़ गए थे क्या? ए क्या है बे, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम लोग। हाँ ए कुम्मी, उस दिन दिया था वो कम था क्या? अरे माता जी, मुझे नहीं पढ़ना तेरे चक्कर में। भाई रुकना, कहाँ जा रहा है? देख भार्गवी, तू हमारे गांव की लड़की है, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे तुझे। ए तू कौन होता है बे मुझे रोकने वाला? ए डीके के सामने आवाज ऊंची नहीं। डीके क्या होता है? डेंजरस किट्टी। डेंजरस होगा इनके लिए, इस भार्गवी के लिए नहीं। कितना एटीट्यूड है रे तुझ में। एटीट्यूड तो मेरे खून में भरा हुआ है। जिस देश में झांसी जैसी रानी हुई, उसी देश की एक रानी मैं भी हूँ, समझा? अभी चप्पल उतार कर एक मारूंगी ना, तो आवाज की गूंज सुनकर पूरा देश ताली बजाएगा, समझा क्या? क्या यार तू चुप क्यों हो गया? मैं कौन हूँ इसे बताना ही पड़ेगा।
साथ साथ सभी लोग मर गए। ये कैसी कुंडली है तुम्हारी? शादी के मंडप में बैठते ही तुमने सबकी बलि लेनी शुरू कर दी। अरे भैया, मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि उसकी कुंडली सही नहीं है, आपने सुना ही नहीं। अब यहाँ खड़े होकर तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से, चलते हैं। देख लिखवा, क्या हालत हो गई है। बेटी की शादी रुक गई, अब इससे शादी कौन करेगा? लक्ष्मी शांत हो जाओ, रो मत। मैं हूं ना, जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बन सकती है। हाँ, मेरे घर की बहू। माँ, मैं अब तक तुम्हारे फैसले के बीच में नहीं आई हूँ, कभी नहीं आई। तुम्हारी माँ की तरह वो भी एक औरत है, इस बात को मत भूलो, मत भूलो बेटा। माँ जी, अक्षत। अपनी माँ के वचन को निभाते हुए एक औरत को उसकी पसंद नापसंद पूछे बिना ही मैंने तुमसे शादी कर ली। I'm so sorry. आप कुछ बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैं 5 मिनट में अभी आती हूँ। तुम्हारी बीवी कॉफी लेकर आएगी, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। और तुम अकेले ही उतर आए, कहाँ है वो? वो रूम में नहीं है माँ। रूम में नहीं है? फिर कहाँ गई है वो? किचन में गई है। किचन में हो सकती है, चलो देखते हैं। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता माँ। ठीक है, उसके नाम से उसको आवाज तो दो। उसका नाम मुझे नहीं पता माँ, और रात को क्या हुआ ये भी मुझे याद नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब क्या करेंगे हम? सॉरी सॉरी, आप प्लीज डरिए मत, हम लोग TV5 से आए हैं। एक्चुअली जो शादी कल हुई थी वो असली शादी नहीं थी ना, वो हमारे चैनल का बकरा कार्यक्रम था। हमारे कार्यक्रम के पहले एपिसोड में ही जो बकरा बना है वो आपका परिवार है। हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट वाउचर है। इस कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बोलेंगे प्लीज? नॉनसेंस, क्या समझते हो अपने आप को आप लोग? अपने चैनल की TRP बढ़ाने के लिए हमारे आचार विचार संस्कृति की बलि चढ़ा रहे हो? शादी का मतलब दो पवित्र आत्माओं का पवित्र बंधन होता है। हमारी संस्कृति पर कलंक लगाने वाले इस प्रोग्राम को देखकर देश के लोग ताली बजाएंगे, ऐसा सोच रहे हो आप लोग? चप्पल से मारेंगे आपको। गेट आउट, गेट आउट। एक बार लक्ष्मी मिल जाए, बताती हूँ। तुमसे कहा था ना ऐसा प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, तुम लोग मेरी सुनते नहीं। चलो शादी का मतलब दो पवित्र आत्माओं का पवित्र बंधन होता है। चला जा,
सूर्या, संभल कर जाना बेटा। माँ, अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, आ जाऊंगा। अच्छा विशु, हाँ वो बलून्स मैंने छोड़े हुए हैं ना? कौन सा, वो क्या? ए, धरती के सारे बलून तूने छोड़े थे क्या? ए, चल उतर। क्यों भाई? ए, उतर ना यार। ए, बलून मिला क्या तुम्हें? फूटी किस्मत। चल चल यार, मंदिर चलते हैं। ठीक है ठीक है। बकरा बनाने वाली हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने तो उस जॉब से कल ही रिजाइन कर दिया। सॉरी, आप एक औरत हो, ये देखे बिना ही मैंने आप पर हाथ उठाया था। I'm so sorry. कोई बात नहीं, it's okay. Actually, हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत था। अपनी संस्कृति को मिसयूज किया, ये हमारी गलती है। सॉरी मुझे कहना चाहिए। इट्स ओके, ठीक है चलता हूँ। सुनिए, आप बोलिए। आपका नाम जान सकता हूँ? जिन्होंने पैदा किया उन्होंने नंदिता नाम रखा, लेकिन मुझे भार्गवी नाम बहुत पसंद है। क्या हुआ? मैं मालाश्री की बहुत बड़ी फैन हूँ ना, एसपी भार्गवी सिंह फिल्म मैंने 10 बार देखी है। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है, इसलिए। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे सुनिए। हाँ। मेरी दादी कहती है कि अगर एक बार किसी से सर टकराए ना तो एक बार और टकराना चाहिए, वरना सर से सींग उग जाते हैं, पता है? वैसे तो तुम सबको बकरा बनाती हो, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें ही बकरा बना दिया, बहुत बड़े खिलाड़ी लगती है। मतलब आप सर नहीं टकराएंगे? पागल लड़की है। मैं लाइन मारू क्या? मंदिर के गेट पर मिल, फिर बताती हूँ। चल यार, तुझे बुला रही है, चल चलते हैं। उसने गेट के पास चप्पल छोड़ी है इसलिए बुला रही है, चप्पल से मार खाना है। वो देखना कैसे घूर रहा है। देखो गुरु कितना कलरफुल है ये। आज बहुत ज्यादा वो एक इंद्रधनुष की तरह है ना गुरु। यही है गुरु जिसने हमारे कोली को गेट के पास बुलाया था, अगर सूर्या मना कर दे तो भी उसके पीछे पड़ी रहती है। ए तितली, चल इधर आ। क्या है गुरु? ये एक बादल है तो वो भी एक बादल है, ये दोनों आपस में टकराएंगे तभी बारिश होगी क्या? इंद्रधनुष मेरे मारने से नहीं बनेगा। तुझे जो करना कर, लेकिन ऐसा कर कि बारिश भी हो और इंद्रधनुष भी दिखाई दे। ए, लगता है कॉलेज में तू नया है। मैं कौन हूँ पता है क्या तुझे? कई लोगों को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं,
कुछ लोगों को यहाँ से भूल भी सकते हैं, लेकिन मैं तुझे जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि यू आर माई एनिमी, है ना मिस्टर डीके? थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जा बेटा। चलूं क्या? ओह, कौन है, कौन है, कौन है ये? थैंक यू। सोच रहे हो बेटे? सूर्या, तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन तुम बच्चे की तरह ही हो। मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं छोटा बच्चा ही रहूंगा ना। क्या हुआ बेटा? मास्टर जी जो कह रहे थे लगता है वो सच है। इस दुनिया में हर इंसान के सात रूप होते हैं बेटा, उसमें से तुमने एक रूप भार्गवी का देखा है बेटा। बाकी के दूसरे रूप में भार्गवी फिर से पैदा होकर जरूर आएगी और तेरी जिंदगी को इंद्रधनुष की तरह सजाएगी। अब जा। भार्गवी मरी नहीं है माँ, वही मेरा प्यार है और लगता है वो प्यार फिर से जन्म लेकर आया है। नंदिता के रूप में भार्गवी इस जन्म में मेरी जिंदगी बनकर आई है माँ। वो मुझे बहुत पसंद करती है। आई एम सो हैप्पी माँ। सूर्या, एक बार तुम उसको घर पर लेकर आओ, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है माँ। मेरी दादी कहा करती है कि अगर किसी से एक बार सर टकराए ना तो दोबारा से टकराना चाहिए, वरना सर पे सींग उड़ जाते हैं। पता नहीं, मेरी दादी कहती है कि अगर किसी से एक बार सिर टकराए ना तो दोबारा से टकराना चाहिए, वरना सिर से सींग उग जाते हैं। पता है? सूर्या, फिर उसे प्रेम संदेश भेज रहा था तू? पहले से ही फ्रेंड्स बन गए क्या? इसीलिए एक ही कॉलेज है? हाँ सर, वो भी कॉलेज आने वाली हैं। चलिए सर। हाँ बोल विशु। बीएम कॉलेज के यहाँ पर क्या? ठीक है मैं आता हूँ। कौन है भाई ये देवदास? पारो को ढूंढते हुए हमारे कॉलेज में आ गया। दोस्तों, पारो तो ऊपर चली गई, इसे भी उससे मिलने के लिए ऊपर भेज दें। चलो। ए, साइड हटना। क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है विक्की।
क्यों, क्या हो गया, रो क्यों रही है तू? बताती हूँ, चलो ना। ए, ये सब मेरे दोस्त हैं, जो बोलना है बोल। विक्की, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरा तीसरा महीना है। इतनी सी बात के लिए कोई रोता है क्या? अगर 9 महीने हो गए होते तो रोती तो अच्छा था। अभी सिर्फ 3 महीने हुए, 5,000 दूंगा ना तो पूरा क्लीन हो जाएगा। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते विक्की, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। देखो डार्लिंग, अगर तुम द्रौपदी बनने के लिए तैयार हो तो बता दो, फिर हम सब लोग मंगल सूत्र बांध देंगे। गुरु, सबने अगर मंगल सूत्र बांधा तो हम सबको इसके साथ सोना पड़ेगा। सोना पड़ेगा, मैं सुलाऊंगा। ए, कौन है बे तू? उस द्वापर युग में द्रौपदी को बचाने के लिए आने वाले श्री कृष्ण भगवान हो, और इस कलयुग में मैं ही इसका परमात्मा हूँ, समझा? देखो इसे, गुरु, इस दुनिया में ऐसे भाई भी होते हैं क्या गुरु? सुलाऊंगा बोला था ना मैंने तुम लोगों को। वैसे तुम लोगों को सोने का बड़ा शौक है ना, तो ठीक है सुला देता हूँ तुम सबको, लंबी नींद सुला देता हूँ। अगर तू लड़की से प्यार करता है तो उसको आने के लिए पूछना नहीं। बल्कि मैं शादी करूंगा ऐसा बोलना चाहिए, उसके साथ गंदी बात नहीं करनी चाहिए। साथ शादी करूंगा ऐसा बोलना चाहिए, उसे अपने पास रखूंगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। औरत को देवी का दर्जा देना चाहिए, वेश्या कहकर नहीं बुलाना चाहिए। औरत से प्यार करूंगा, उसके साथ शादी करूंगा, औरत की पूजा करूंगा। That's good. और बहन क्या बोलती है? औरत के बारे में इतना बुरा सोचने वाले के साथ मैं शादी नहीं करना चाहती भैया, मैं इसे भूल जाऊंगी। औरत की तुलना इस धरती माँ से की जाती है, और वही औरत अगर तुझे पसंद नहीं करती तो तू इस धरती पर रहने के लायक नहीं है। पहले से ही मरे हुए तुझ जैसे इंसान को और मारू तो मर्द जाति का अपमान होगा। चल निकल यहाँ से।
क्या चाहिए? माल चाहिए तुझे? चल जा अंदर। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आइए। इतने दिनों तक मेरे ओपोजिशन में कोई नहीं था तो मैं बोर हो गया था। फर्स्ट इनिंग होने के बाद सेकंड इनिंग में तू मेरा अपोनेंट बनकर आएगा तो मैं बैटिंग नहीं करूंगा, ऐसा लगता है क्या तुझे? मिस्टर डीके, फर्स्ट इनिंग होने के बाद सेकंड इनिंग में बैटिंग चेंज होनी ही चाहिए यार। अभी बैट मेरे हाथ में है और जो मैं सिक्स मारूंगा ना उससे पूरा स्टेडियम हिल जाएगा। यू नो डीके, मेरे सामने आने से तो हाथ ही भी डर जाता है। तू किस खेत की मूली है? मैं बचपन में खेलने की बजाय उड़ता था, इसलिए अभी तक जिंदा हूँ। और तूने मुझे सही उम्र में छेड़ा है, अभी तू यम के कदमों में जाके चलूं क्या? बहुत अच्छा था यार। ए, टाइम क्या हुआ? मेरी घड़ी नहीं चल रही है, रुक गई है, लगता है बैटरी खराब हो गई। सुना? हाँ? मेरे पास बड़ी वॉच है, दूं क्या? क्या हुआ, शरीर में खुजली हो रही है क्या? क्यों, तू आके खुजाएगी क्या? ए, बकवास बंद कर। इसकी रैगिंग करूंगा तो तू आएगी, तेरी रैगिंग करूंगा तो वो आएगा। क्या क्या चक्कर है तुम दोनों का? आखिर संबंध क्या है तुम दोनों में? संबंध है, वो मेरा दोस्त है। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, अगले 7 जन्म तक वो मेरा दोस्त रहेगा। अगर तू बीच में आया ना तो तू वही मर जाएगा। वही मर जाएगा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? बात करने के बाद किस करना चाहोगे? तब भी मैं मना नहीं करूंगी। सुनिए। हाँ, रात को फोन कर सकते हो ना? सुनो, फोन करोगे ना मुझे? सुनो जी, जब देखो बिजनेस बिजनेस करते रहते हो, बेटी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। क्या बोल रही हो? तुमने मुझे इतना गैर जिम्मेदार इंसान समझ लिया है क्या? हाँ, इसकी एजुकेशन एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाए तब तक मैं चुप बैठा हूँ। कितने अच्छे लड़के मैंने इसके लिए देख रखे, तुम्हें पता भी है। एक अमेरिकन कंपनी में काम करता है, बहुत ही भोले भाले और अमीर लोग हैं वो, हर तरह से संपन्न भी, और क्या चाहिए। डैडी, आपको लगता है अमेरिका आकाश में है? वो भी तो धरती पर ही है ना। मैं जिस लड़के से शादी करूंगी वो कस्तूरी गांव का होना चाहिए। भुवनेश्वर मंदिर के पास पला बढ़ा होना चाहिए, वो इंडिया का ही होना चाहिए। सुना तुमने, मेरी बेटी ने किसी कवि की तरह बात करना शुरू कर दिया है। ऐसे लड़के को आखिर हम कहां से ढूंढ कर लाएंगे ये बताओ। हाँ? अरे
बैठ जा बेटा। अरे 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 खाना तो खा ले। शर्म आ गई हो। बोलो सूर्या, क्या बात है? लगता है तुम बहुत ही अपसेट हो। ये बड़े लोग ना ऐसे ही होते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसे छोड़कर किसी और को पसंद करने की बात करते हैं। क्या हुआ, लड़का पसंद नहीं आया क्या? मुझे उसकी बात ही नहीं करनी। अच्छा सूर्या, तुम लव मैरिज करना चाहते हो या अरेंज्ड मैरिज? मुझे तो लव कम अरेंज मैरिज पसंद है। और तुम्हें? मैं तो डेफिनेटली लव मैरिज ही करूंगी। मम्मी डैडी नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, मैं तो भागने के लिए भी तैयार हूँ। बस उठा कर ले जाने वाला लड़का चाहिए। कमाल है, लड़कियाँ बहुत फास्ट होती है ये तो मैंने सुना था, लेकिन इतनी फास्ट होती है ये मुझे नहीं पता था। तुम वैसे दिखने में तो गीता जैसी हो, लेकिन बाजार वाली मंजुला जैसी बात करती हो। क्यों, तुम लोग फास्ट नहीं होते क्या? शादी से पहले ही लड़की का मजाक उड़ाते हो, उसे छेड़ते हो। अच्छा चलो जाने दो, तुम्हें जो पसंद आए वो लड़का कैसा होना चाहिए? प्रेम लोक में घुमाए नहीं तो भी चलेगा, पर तुम मेरी रानी हो ये कहकर मुझे अपने पास रखे। राजा नहीं होगा तो भी चलेगा, पर रामचंद्र जैसा होना चाहिए। योद्धा नहीं होगा तो भी चलेगा, बस श्री रामचंद्र जैसा होना चाहिए। क्यूट नहीं होगा तो भी चलेगा, बस थोड़ा रोमांटिक हो। गोपी कृष्ण नहीं होगा तो भी चलेगा, पर थोड़ा सा शरारती होना चाहिए। अकेला रहेगा तो भी चलेगा, पर दो दो लड़कियों से शादी करेगा ये बिल्कुल नहीं चलेगा। पूरी तरह रविचंद्रन जैसा क्रेजी होना चाहिए। अगर रवि सर की क्वालिटी चाहिए तो उसका ऑर्डर तो भगवान को ही देना पड़ेगा। क्यों, तुम मर्द नहीं हो क्या? क्या हुआ, कहीं मेरी टांग तो नहीं खींच रही हो? तुम ही ने तो कहा था कि लड़कियां बहुत फास्ट होती हैं। प्यार करोगे क्या? जब प्रेम लोक से खुद ब खुद बुलावा आ रहा है तो कौन सा लड़का उसका किस्सा बनने से मना करने वाला है? खुशी देने वाली खुशबू अगर तुम बन रही हो तो बेखौफ रहने वाला पति बनने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो क्या अपने कंधे पर उठा कर ले जाने वाले सिपाही तुम ही बनोगे लगता है? शहद लेकर अगर मैं रागी के फील्ड में आ गया ना तो चुपचाप बैठकर बात करने वाला कोई अन्या नहीं हूँ मैं। किस करने में भी मैं बाप हूँ और शहद को चखने में भी उस्ताद हूँ। पहले कह रहे थे प्यार में इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हें तो प्यार के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो टाइम हो गया, नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। इधर क्या चल रहा है? कन्नड़ राज्योत्सव चल रहा है यार। आज तक कन्नड़ लोगों के साथ खेल रहे थे, अब झंडे के साथ खेलेंगे। चल रहे कन्नड़ लोगों के साथ मत खेलना। हाँ।
ए, कौन है बे तू? हाथ में पकड़ा झंडा देखकर पता नहीं चल रहा है क्या कि मैं कौन हूँ? चल फिर भी बता देता हूँ। जिस मिट्टी में कस्तूरी की सुगंध होती है, जिस पानी में तुंगा भद्रा कावेरी की मिठास होती है, जिस हवा में श्री गंध का परिमल होता है, उस गांव को करुणाडु कहते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले हर इंसान को कन्नड़िका कहते हैं। देख क्या रहे हो, मारो इसको। हम कन्नड़वासी हैं, ये धरती हमारी माँ है। पानी मांगोगे तो शरबत देंगे, बैठने के लिए जगह मांगोगे तो सोने के लिए जगह देंगे। सोने के लिए जगह दी तो जो नहीं करना चाहिए वो करने की कोशिश करोगे तो छाती फाड़ कर खून पी जाएंगे। दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो शांति, झगड़े के लिए खड़े हो जाओगे ना तो क्रांति। मैंने तभी आगाह किया था कि कन्नड़ लोगों के साथ मत खेलो। हर कन्नड़ की आवाज में शेर की दहाड़ है, सिर्फ वो दहाड़ सुनकर ही तुम हिल रहे हो। अगर खेलने की कोशिश करोगे तो घूम जाओगे। अबे आग, जाओ।
सूर्या, इस बलून में मेरी सांस भरी है, सांसें चलने तक इसे बचा कर रखोगे? इस बलून में ना मेरी सांस भरी हुई है, तुम्हारी सांसें चलने तक इसे बचाकर रखोगे क्या? बलून के लिए तूने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तेरे लिए तो एक मामूली सा बलून है, लेकिन मेरे लिए मेरी सांस है, मेरी सांस। सूर्या, कल वैलेंटाइन्स डे है, तुम मुझे प्रपोज करोगे ना कल? नंदू, इस दुनिया में आज तक किसी प्रेमी ने प्रपोज नहीं किया होगा, ऐसी जगह पर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। आज हम लोग इसे सबक सिखा के ही रहेंगे। क्या बात है कोली, अच्छी लड़की ढूंढी है तूने। भाई, यही सूर्या है। ओए, हमारा भाई कौन है पता है क्या? तुम जैसे चेले जिसके बगल में खड़े हो ये देखकर पता नहीं चलेगा कि ये एक नंबर का गुंडा है। अपने एरिया में खुद की एक धाक क्रिएट करके बॉर्डर बनाकर जीने वाला सड़क छाप गुंडा है तू। बिना बॉर्डर क्रिएट किए पूरी दुनिया में हवा की तरह घूमने वाला प्रेमी हूं मैं। तेरा खेल तो सिर्फ बॉर्डर तक होता है, अगर बाहर आ गया तो तुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मेरा वैसा नहीं है। दुनिया में मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ वहाँ प्यार करने वाले साथ में रहते हैं, साथ में रहकर मेरा ख्याल रखते हैं। वैसे इस शहर में तुम जैसे गुंडे ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 मिलेंगे, लेकिन मुझ जैसे प्रेमी एक एक कॉलेज में कितने होंगे ये देखना चाहता है।
तुम फूल लेकर आओगे तो हम लोग डर जाएंगे क्या? हम लोग काटने वाले हैं, काट के रख देंगे। काटने के लिए हम कोई बकरे नहीं है, प्रेमी लोग हैं। प्रेम लोग मूवी में रवि सर ने सिर्फ प्यार करना नहीं सिखाया, इस दुनिया से डरो मत ये भी सिखाया है। तुम जैसे लोग अगर हमारे पास आएंगे तो जंग लड़ने के लिए हमें योद्धा भी बनना है, ये भी उन्होंने सिखाया। यहाँ का हर प्रेमी एक योद्धा है, और हम सारे योद्धा अगर एक साथ आ जाए ना तो यहाँ पर सीधे महाभारत छिड़ जाएगी। हम लोग एक साथ भारी पड़ जाए ना तो एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर सकती वो काम हम करके दिखा देते हैं। फिर इस दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में ढूंढ लो, वहाँ गुंडा नाम का शब्द नहीं मिलने वाला, नामों निशान मिटा देंगे। गुरु वो एकदम सही बोल रहा है। गुरु प्रेमियों के बीच में नहीं आते, हमारी दुनिया अलग है और उसकी दुनिया अलग। उसकी बात मत सुनो गुरु, मुझे लाइन मारनी ही है। वो सही बात कह रहा है, प्रेमियों के बीच हमें नहीं जाना चाहिए। एक जमाने में तुम्हारा भाई भी तो प्रेमी था। मेरा भी एक फ्लैशबैक है दोस्तों, ये मुझे दो। इतना तेज हथियार तुम्हारे सामने से गुजरा, फिर भी तुम्हारी पलके नहीं झपकी और हाथ पैर नहीं कांपे, यही मर्दानगी है। 10 साल पहले ये मर्दानगी मुझ में होती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। आज इस हथियार की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। गुरु इस हथियार से किसी को खत्म कर सकते हैं लेकिन प्यार की दुनिया नहीं बसा सकते। जा गुरु, एंजॉय कर। कितना ट्राई किया लेकिन ये पटती ही नहीं है। हमारे गुरु के हाथों नहीं पटी तो तुझसे क्या पटेगी, चल। ए, ऐसा कोई नहीं जो मेरे सामने टिक पाए, एक आंख मारूंगा ना तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। सूर्या कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, बताता हूँ चलो। मेरी भार्गवी, ये मेरा दिल है और तुम मेरी धड़कन हो। मैं तो सिर्फ एक शरीर हूं जिसे आप दोनों मिलकर चला रही हैं। इस दुनिया में किसी प्रेमी ने प्रपोज नहीं किया होगा ऐसी जगह पर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, ऐसा मैंने कहा था ना, वो जगह यही है। आई लव यू नंदू। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, तुम्हें हाथ से खाना खिलाऊं? मुझे किस चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे बहुत पसंद आएगा। मुझे शर्म आ रही है। अगर तुम ऐसे ही सताओगी ना तो मुझे बहुत दुख होगा। ये तो गलत बात है ना। अपनाने के बाद तो गलती करनी ही पड़ती है ना। ये पागलपन है। जब तुम किस दोगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। तुम सब लड़के एक जैसे होते हो क्या? लड़कियों को ऐसा शक क्यों होता है? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अब उस चीज की जल्दी तो होगी। ठीक है मिस्टर, मैं देती हूँ, संभाल कर रखोगे ना? इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। अब हो गई मेरी जिंदगी पागल। मेरा शरीफ लड़का। चलो चलते हैं। लो आगे तुम्हारी बेटी। कौन है वो? पता नहीं जी। अच्छा चलती हूँ। बाय बाय बाय। हाय पापा। हाय माँ। हाँ।
नंदू ये वही लड़का है क्या? कौन पापा? तू जिस लड़के से प्यार करती क्या ये वही लड़का है? वही जो तुम्हें अभी बाइक पर छोड़कर गया है? जी पापा। कितनी हिम्मत है तुझमें, अपने माँ बाप के सामने बैठ के प्यार की बातें कर रही है। तुम चुप हो जाओ, मुझे बात कर लेने दो उससे। सुनो बेटा, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का देखा है तुम्हें अंदाजा भी है? वो अमीर खानदान का है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत भी है और अच्छा काम भी करता है बेटा। और वो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखेगा, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम उससे शादी करोगे तो वो तुम्हें एक रानी की तरह रखेगा। पापा, आपने जो लड़का पसंद किया है उसके पास बहुत जायदाद होगी, पर इस लड़के के पास मेरे लिए बहुत सारा प्यार है। आपका लड़का बहुत पैसे वाला होगा, लेकिन ये बहुत गुणवान है। पापा, महल की रानी बनाने वाले राजा से ज्यादा दिल की रानी बनाने वाला राजा मुझे चाहिए। प्लीज पापा, सूर्या को मुझसे दूर मत कीजिए ना, प्लीज। सूर्या? सूर्या? पापा, पापा प्लीज, पापा प्लीज, प्लीज पापा। ठीक है बेटी, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी। सुनिए, तुम मेरी बेटी हो और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं, इसकी बातें सुनकर आप अच्छे लड़के को छोड़ रहे हैं, वैसा लड़का। बात को समझो, लड़का कैसा है, उसका स्टेटस क्या है, उससे कहीं ज्यादा वो मेरी बेटी का कितने प्यार से ख्याल रखता है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। बेटा तुझे उस पर पूरा भरोसा है ना? हाँ पापा। ठीक है, तो फिर मैंने भी डिसीजन ले लिया है। आप बाप बेटी को जो करना है वो करो, मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। देखो ना पापा, अभी ये जरा गुस्से में है, चार दिन के बाद ये अपने आप शांत हो जाएगी, तू खुद देख लेना। चलो ठीक है बेटा, सुनो, कल ही हम लोग लड़के के घर पर जाकर एंगेजमेंट फिक्स करके आ जाएंगे, क्यों? थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। तुम कौन हो बेटा? मेरे साथ घर बसाकर किसी और के साथ सगाई करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है उसका बाप कौन है, क्या बताऊंगी उसे? अरे ये क्या बोल रही है सूर्या, ये कौन है, तुम इसे जानते हो क्या? खड़े खड़े क्या देख रहे हो, बात करो हमसे। ए, ये जो बोल रही है उसका जवाब दो। ये झूठ बोल रही है नंदू, इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। बिना संबंध के तू वहाँ आता था क्या? बिना संबंध के इसके पेट में बच्चा कैसे पल रहा है? ये सब क्या है बेटा? मेरा विश्वास करो नंदू। सच बोल, तू वहाँ पर आता था या नहीं? क्या ये सच है तुम वहाँ जाते थे? सच है क्या? हाँ सूर्या, ये सब क्या हो रहा है? नंदू दरअसल वो, कुछ मत कहो। क्या कहा करते थे तुम कि औरत की इज्जत करना जरूरी है, प्यार भले ही कम क्यों ना हो, लड़की से कहना चाहिए मैं तुमसे शादी करूंगा, ये नहीं कि मैं तुम्हें छीन लूंगा। औरत को देवी समझकर उसकी पूजा करनी चाहिए, कभी वैश्या नहीं कहना चाहिए, यही कहते थे ना? पर आखिर में क्या किया तुमने, क्या किया तुमने बोलो? नंदू, नंदू, बेटी को समझो। उस लड़की के साथ संबंध बनाकर, उसके साथ संसार बसाकर, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप बनकर मुझसे शादी करने चले थे तुम? मेरा भरोसा करो प्लीज नंदू। तू? बेटा सुन मेरी बात सुनो, सूर्या आखिर तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, क्या है ये सब? तुम्हें समझ में आया कि मैं कौन हूँ? भार्गवी मेरी
तेरी बड़ी बहन थी। मेरे काका को तुम पसंद नहीं थे, लेकिन अपनी बहन के लिए मैंने उन्हें मना लिया था। मेरी बहन कहा करती थी कि इस पूरी दुनिया में सूर्य सबसे अच्छा इंसान है। उसका प्यार ऐसा है कि पूरी दुनिया उसके प्यार को तरसेगी, और ऐसा लड़का उससे प्यार करता है, इस बात पर मेरी दीदी को गर्व था। मेरी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें खो चुकी हूँ। मरते वक्त वो मुझसे कह गई कि सूर्या को अपनी जिंदगी में ले आना, इंद्रधनुष की तरह। उस दिन से पागलों की तरह मैं तुम्हें ढूंढने लगी। अपना घर, अपने माँ बाप, सब कुछ भुला कर मैं तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए उसी कॉलेज में एडमिशन लेने चली गई जहाँ तुम थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि किस्मत में क्या है। फिर एक दिन तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा। ये सगाई तो बस मैं मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन हमारी शादी तो कब की हो चुकी है ना। और करके मुझे धोखा दिया है ना तुमने। अब इसकी सजा मैं तुम्हें क्या दूंगी तुम्हें पता है? तुमने जिससे शादी की वो जिंदा है, लेकिन फिर भी तुम पूरी जिंदगी अकेले ही रहोगे। मैंने जिससे शादी की वो जिंदा है, लेकिन फिर भी मैं जिंदगी भर विधवा बनकर रहूंगी। अभी इसी वक्त तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? हाँ, तू खुद यहाँ से जाएगा या धक्के मार के यहाँ से निकालूं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेके जाओ इसे। चलो बेटा। दस मिनट पहले मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन अब जीने का मन कर रहा है, और ये सिर्फ तेरी वजह से। यू आर माई रियल गॉड। जो भगवान दिखाई नहीं देते उन्हें हम प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा लगाते हैं, और उनसे मन्नतें मांगते हैं, उपवास व्रत सब कुछ करते हैं उनके लिए। कितने बड़े पागल होते हैं ना। और आंखों के सामने तेरे जैसा भगवान है, ये हम भूल जाए। सूर्या, लगता है तूने ज्यादा पी ली यार। मैं भगवान के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ यार। लड़की के चक्कर में ऐसे ही होता है। मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, चलो। बेचारा ये भी मेरे जैसा ही प्रेमी लगता है। सुबह से ही चालू हो गया ये। प्रेमी का दूर हो जाए तो दारू नजदीक आ जाती है, और दारू पास आ जाए तो प्यार दूर हो जाता है। तेरे चक्कर में बर्बाद हो गया, तेरी वजह से जिससे प्यार करता था वो दूर हो गई। ए,
क्या बॉस? ए भाई, प्यार करने वाली पास रहकर भी दर्द देती, दूर जाएगी तो तकलीफ देती है, लेकिन ये दारू ऐसा नहीं करती। ये हमारी परमात्मा है, गॉड। ये दूर हो या पास हो, सुख ही देती है, कभी दुख नहीं देती है। समझा क्या रे पागल? ओके बॉस, समझ गया बॉस। बाय सर। लगता है आज कुछ ज्यादा ही हो गई है, लेकिन तू नाराज मत हो, तू नाराज नहीं होगी ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे दर्द को कम करने वाली परमात्मा तू ही है। तेरे अपोजिशंस यहीं पर हैं। यू डोंट वरी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बात करके आ जाता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा, सृष्टिकर्ता, मुझे आपने क्यों पैदा किया? मैंने आपको एप्लीकेशन दिया था क्या कि मुझे पैदा करो? दुनिया की सारी खूबसूरती लड़कियों को देकर, वो देखकर पागल करने के लिए हमें पैदा किया है ना आपने? बहुत खतरनाक हो आप, खतरनाक। हम तो सिर्फ नाम के लिए मर्द हैं, लेकिन लड़कियों के सामने वेस्ट बॉडीज। जितना हम दिल लगाते हैं ना, उतना ही हमें दर्द मिलता है। विष्णु परमात्मा, श्री कृष्णा के अवतार, जब द्रौपदी मुश्किल में थी तो आपने उसकी मदद की थी। जब भी लड़की बुलाएगी तो आप आ जाओगे? हम जैसे लड़कों का दिल भी टूट कर बिखर रहा है, भगवान क्या करे। ओहो, तीन आंख वाले, अगर आपकी तीसरी आंख खोल दी जाए तो पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। आओ, मुझे भी भस्म कर दो ना, कर दो ना। नहीं कर सकते ना? मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब आप तीनों के पास भी नहीं है ना? स्लिप हो गया ऐसा सोच रहे हो क्या? लाइफ में अगर स्लिप हो जाओ तो क्या होता है, ये मैंने दिखा दिया। सूर्या, 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 उठना, उठ, उठना। गोपी ने फोन किया था, मास्टर जी गुजर गए। क्या कह रहा तू? चल, चलना, चल भाई, चल, चलना। बड़ा पापी हूं मास्टर जी, आपको आखिरी बार देखने का सौभाग्य उस भगवान ने मुझे नहीं दिया, आप दोनों ने मुझे धोखा दिया मास्टर जी। उस भार्गवी ने मुझे प्यार का मतलब भी पता नहीं था, और मुझ पे प्यार को जगाकर जब उसे एक पौधे से पेड़ बना दिया तो मुझे छोड़कर चली गई। और आप, जिंदगी में तुझे हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा, आकाश के चमकते सितारे की तरह बनाऊंगा, ये कहकर आप भी मुझे छोड़कर चले गए ना मास्टर जी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। आखिरकार अपने शिष्य को आपने अनाथ कर दिया मास्टर जी, अनाथ कर दिया आपने। गोपी, ये भार्गवी कौन है? भार्गवी एक इंद्रधनुष। अरे यार, जब देखो तू ही जीतता है, मुझे नहीं खेलना। ए सीना, ए सूर्या, चलो स्कूल का टाइम हो गया, आ जाओ आ जाओ। मास्टर जी, सारे खेल में आपका शिष्य ही जीतता है, आपके शिष्य को कोई नहीं हरा सकता। ए पागल, मैं नहीं हूँ क्या?
हमारे आने से पहले ही ये सूर्या का इंतजार कर रही होगी। अगर तूने जल्द से जल्द सूर्या को प्रपोज नहीं किया ना, तो देख लेना ये उसे उठाकर ले जाएगी। जरा ये बैग पकड़, मैं आती हूँ। ए, क्या है बे? सुबह सुबह उस पर लाइन मार रही है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, संभल जा वरना ठीक नहीं होगा। वो मेरी पसंद है, मैं किसी से भी प्यार करूँ, तू कौन होती है बोलने वाली? ए, तू किसी भी लड़के पर लाइन मार सकती है, पर सूर्या को छोड़ दे, वो मेरा है। तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं भी उसे पसंद करती हूँ, देखती जा, SSLC खत्म होने से पहले ना उसे उठा कर ले जाऊंगी। ए दीपा, मुझे तो लगता है आज इस चंद्रिका का मर्डर कर दूंगी मैं। अरे यार, ये सब सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि जब तक ये भार्गवी है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सूर्या मुझे पसंद करता है। सूर्या सिर्फ मेरा है, मेरा है। बंद करो तुम लोग अपना झगड़ा। सूर्या ना सिर्फ तुम्हारा है और ना ही सिर्फ तुम्हारा, वो पूरी दुनिया का है। सूर्या मेरा शिष्य है, समझी क्या? चलो अब क्लास का वक्त हो गया, अंदर जाओ। मास्टर जी, इस दुनिया में सूर्या के लिए सिर्फ भार्गवी है, मैं और किसी को आने नहीं दूंगी। ओके, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। न्यू टीचर अच्छी है ना? जरा पीछे होकर देखना। क्लास के बाद कैंटीन जाएंगे। तू मुझे सौतन बोल रही है? हाँ बोलूंगी, क्या कर लेगी बोल? तू है, तू सौतन है, हम दोनों के बीच आ रही है। तू है, चल जा यहाँ से। तू निकल ना, चल जा यहाँ से। चंद्रिका, अरे भार्गवी छोड़ो इसे। चंद्रिका तुम जाओ यहाँ से। क्या भार्गवी, स्कूल खत्म होने में अभी 3 महीने बचे हैं, फ्रेंड्स बनकर तुम नहीं रह सकती हो क्या? ऐसे झगड़ा क्यों कर रही हो? सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, जाओ। ठीक है, चलो क्लास में हूँ। ए सूर्या, तुम्हारे लिए छोटा सा झगड़ा क्या, पूरा युद्ध लड़ने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ ये भार्गवी है। ओह शिट। अब देख। गुड शॉट। इसका सिर्फ यही गुड शॉट है भार्गवी के सामने। ठुस। ठुस है कि फुस है ये बाद में पता चलेगा। ए छमक छल्लो, मुद्दापुर के लड़के से तू प्यार करती है क्यों? हमारे गांव में लड़के कम पड़ गए थे क्या? ए क्या है बे, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम लोग। हाँ ए कुम्मी, उस दिन दिया था वो कम था क्या? अरे माता जी, मुझे नहीं पढ़ना तेरे चक्कर में। भाई रुकना, कहाँ जा रहा है? देख भार्गवी, तू हमारे गांव की लड़की है, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे तुझे। ए तू कौन होता है बे मुझे रोकने वाला? ए डीके के सामने आवाज ऊंची नहीं। डीके क्या होता है? डेंजरस किट्टी। डेंजरस होगा इनके लिए, इस भार्गवी के लिए नहीं। कितना एटीट्यूड है रे तुझ में। एटीट्यूड तो मेरे खून में भरा हुआ है। जिस देश में झांसी जैसी रानी हुई, उसी देश की एक रानी मैं भी हूँ, समझा? अभी चप्पल उतार कर एक मारूंगी ना, तो आवाज की गूंज सुनकर पूरा देश ताली बजाएगा, समझा क्या? क्या यार तू चुप क्यों हो गया? मैं कौन हूँ इसे बताना ही पड़ेगा। तो भुजंग जी, क्या बात है बोलिए। मास्टर जी, आप हमारी जाति के होकर भी किसी और जाति के लड़के को अपना शिष्य बना बैठे हैं, आपको थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? हाँ? भुजंग जी सुनिए, मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए महाशय, चलने वाले सूर्य की कोई जात नहीं होती, पानी की कोई जात नहीं होती, लहराने वाली हवा की कोई जात नहीं होती, खाने वाले अन्न की कोई जात नहीं, तो फिर इंसान के लिए ये जाति पाति क्यों बनाई है? इंसान ने ये सब अपने स्वार्थ के लिए बना कर रखा है। सभी के शरीर में दौड़ने वाला वो खून भी एक ही है ना, कुछ समझे आप? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी दूर क्यों आए हैं? ओ मास्टर जी, गुरु के हिसाब से शिष्य बनना है तो
योग्यता योग्यता चाहिए उसके लिए। यही बात समझाने के लिए इतना बड़ा प्रवचन दिया आपने मुझे। देखिए, गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा, गुरु तत्व के आदर्शों का पालन करने वाले बहुत सारे शिष्य मिले होंगे, लेकिन ये उन सब में सबसे अच्छा है मेरा शिष्य सूर्या। वो क्या है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, उसने जो किया है वो आप खुद देख लीजिए। लीजिए। ये तुम्हारी बेटी की गलती है, सूर्या की नहीं है। चाहो तो अपनी बेटी से पूछ लो। ए भार्गवी, तुमने मेरी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। घर पे आ बताता हूँ। हाँ तो आ जाऊंगी ना, और कहाँ जाऊंगी मैं, भाग कर जाऊंगी तो बोल कर जाऊंगी। क्या यार, तू ऐसे बात कर रही है? अरे ऐसे ही तो बात करनी चाहिए। जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उसे हमें खुद चुनना चाहिए। मास्टर जी से ही पूछते हैं। मास्टर जी, प्यार करना गलत है क्या? अरे रे, रे, मैं तो ऐसी कोई फिल्म देखना बिल्कुल ही भूल गया। फिर भी आप इस गांव के मास्टर हैं। मैं अभी आता हूँ। मास्टर जी जवाब दिए बिना ही जा रहे हैं। घर पे जाकर अपने पिताजी से खुद पूछ लेना, वो बता देंगे। मुझसे बेकार के सवाल कर रही है। अरे गोपी, ये चंद्रिका और भार्गवी ऐसे झगड़ा क्यों करती रहती हैं? वो क्या है, वो सब तेरे लिए करती हैं यार। मेरे लिए? वो क्यों? सच बताऊं सूर्या, तो वो दोनों तुमसे 6 स्टैंडर्ड से प्यार कर रही हैं। अब ये दोनों लड़कियां आगे क्या क्या करेंगी ये तुझे पता चल जाएगा। चल सूर्या। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज मैं अपने सब्जेक्ट का टेस्ट मार्क्स बताऊंगी। चंदू 25 में से 10, रमेश 25 में से 13 मिले हैं, भाग्या 25 में से 11 मिले हैं, सूर्या 25 में से 25 मिले हैं, चंद्रिका 25 में से 17 मिले हैं, दीपा 25 में से 19 मिले हैं, भार्गवी 25 में से 24 मिले हैं। भार्गवी स्टैंड अप। 25 क्वेश्चंस के सही सही आंसर्स लिखने के बाद मैंने देखा कि तुमने एक आंसर कट कर दिया, ऐसा क्यों? कंफ्यूजन हो गया था मैम। मेरे सब्जेक्ट में किया तो ठीक है, लेकिन सारे सब्जेक्ट में तुम ऐसा ही करती हो, ऐसा क्यों? मैम मैं सच में कंफ्यूज हो जाती हूँ। दोस्त वो एकदम झूठ बोल रही है, ये सब वो तेरे लिए कर रही है। ओके, एक काम करो, बाहर आओ। अभी बताओ भार्गवी, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ये सब मैं सूर्या के लिए कर रही हूँ मैम। सूर्या के लिए कर रही हो, क्या मतलब है इसका? मैं सूर्या से बहुत प्यार करती हूँ मैम। उसके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट ना हो तो मैं बेचैन हो जाती हूँ मैम। पूरे स्कूल के लिए मैं भले ही भार्गवी हूँ, पर सूर्या के लिए मैं उसकी धरती हूँ मैम। आपने स्वाभिमान मूवी देखी है क्या मैडम? उसमें रवि सर पढ़े लिखे नहीं है, महालक्ष्मी मैम पढ़ी लिखी है। उन दोनों के बीच एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में डिवोर्स हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे और सूर्या के बीच ऐसा कुछ हो। मैं चाहती हूँ कि सूर्या हमेशा मुझसे एक स्टेप आगे ही रहे, यही मेरी इच्छा है। ये किस तरह का प्यार है तुम्हारा? इस दुनिया में ऐसा भी प्यार होता है, मुझे आज पता चला। सूर्या तुम्हें जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट बेटी। ये भार्गवी है और ये सूर्या, और हमारे बीच क्या है पता है? ये प्यार है सूर्या। मैं आ गया, ये तुम्हें कैसे पता चल गया? मैं तो तुम्हारी परछाई को भी पहचान लेती हूँ। तुम्हें लगता है तुम आओगे मुझे पता नहीं चलेगा? तुम कब क्या बोलते हो, किस लिए बोलते हो, मैं सब कुछ जानती हूँ। इस वक्त बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना। नहीं करते हो तो भी ठीक है, शादी कर लेना। करूँगा। मेरे लिए उतना ही काफी है। तुम्हारे साथ नहीं, मेरी माँ जिससे कहेगी उसके साथ। अरे तो ठीक है, अपनी सासू माँ को जाकर मना लूंगी मैं। मतलब तुम वहाँ पर भी नहीं छोड़ोगी क्या? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। जब मैं मिल गया हूँ तो मुझे ही पकड़ोगी ना। सूर्या, ये शरीर भले ही तुम्हारा होगा पर आत्मा सिर्फ मेरी है, तुम्हें मेरा ही होना है। ए, तुझमें अक्ल की कमी है क्या? हाँ कमी है, क्या करेगा तू? कि सूर्या सिर्फ मेरा है। सूर्या मेरा है और सिर्फ मेरा है। सूर्या मेरा है, पहले कहा था सूर्या मेरा है, उससे दूर है। सिर्फ मेरा है। चलो दूर हटो। आज मैं तुम्हारे इस झगड़े की इतिश्री कर ही देता हूँ। मैं अभी तुम दोनों को एक जरूरी टास्क देता हूँ।
इसमें जो जीतेगा उसे सूर्या का प्यार मिल जाएगा, और अगर कोई नहीं जीतता है तो तुम दोनों को सूर्या को भूल जाना होगा। ठीक है, रेडी हो ना? मैं रेडी हूँ मास्टर जी। मैं रेडी नहीं हूँ मास्टर जी। क्यों बेटी, क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? रेडी हूँ मास्टर जी। हाँ चलो आ जाओ, कम ऑन आओ। अभी टास्क क्या है कि तुम दोनों को इस ब्रश से सूर्या के लिए इंद्रधनुष बनाकर देना होगा और वो ही जीत जाएगा। समझ गई? तो पहले कौन? मैं मास्टर जी। ये लो, शुरू करो अब। चलो सूर्या, मास्टर जी ने तुम्हें दाव पर लगाया है। कौन? मास्टर जी, मैं जीत गई। मास्टर जी, मेरा सूर्या मुझे मिल गया। मास्टर जी, आपने मुझे ही दांव पर लगा दिया। अरे सूर्या, उसके प्यार को देखकर इस गांव का मास्टर भी हार गया। अरे बेटा, अब तू नहीं हारेगा। इस पूरी दुनिया को घूमकर वो सूर्या उजाला देता है और जमीन हरी भरी रहती है। अभी तेरे इर्द गिर्द जो भार्गवी घूम रही है ना, अगर तू उसे रोशनी देगा तो अच्छा होगा बेटा। उससे प्यार कर, गो अहेड आई से। क्या हुआ चंद्रिका? प्लीज सूर्या, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करो ना सूर्या। चंद्रिका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है सूर्या? रात के 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हें आना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो? अगर तुम नहीं आए तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। चलती हूँ। चंद्रिका, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? देखिए बड़े पापा, आपका गोद दियो बेटा क्या गुल खिला रहा है। नहीं सरपंच जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं चंद्रिका को यहाँ समझाने आया था। सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है, इसका भरोसा मत कीजिए। ए, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे मारो और इसकी अकल ठिकाने लगाओ। ए, चल तुझे घर पे बताता हूँ। चल। ए, क्या समझाने आया था? ये मारे से, मारे से, ये क्या कर रहे हैं? उठो, उठो बेटा। जिंगवा, तू अपने बेटे को समझा दे। तेरा पति मुनिया था और नीति न्याय का पालन करने वाला था। इतने अच्छे खून वाले ने ऐसा गंदा खून पैदा किया है। तेरा पति हमारे घर में काम करता था सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए, लेकिन तुम्हारा ये नालायक बेटा मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, हमारी बराबरी करना चाहता है। इसे तो मैं काट के रख देता, लेकिन मैं क्या करूं, मुनिया की याद आ गई, इसीलिए मैं इसे छोड़ देता हूं। आगे से याद रखना। सुनो, सूरज उगने से पहले तुम लोग इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर चले जाओ। ए, चुप हो जा। लिंगवा, अपने बेटे को अच्छे से समझा दो। इसने जो किया है, अगर दोबारा इसने करने की कोशिश की, इसे गांव में क्या पूरी दुनिया में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। समझ गई? चलो
अरे यार मुझे लगा सूर्या आएगा, लेकिन यहाँ तो ये आ रही है। अबे थू, कैसा मर्द है बे तू? गांव के 10 लोगों को जमा करके मेरे सूर्या को पिटवाया तूने? यहाँ दिखा ना अपनी मर्दानगी, चल दिखा। ए, बहुत ज्यादा बकवास कर रही है तू। तेरे सामने जो खड़ा वो राम नहीं रावण है। मैं भी सीता नहीं हूँ जो मुझे उठाकर ले जाएगा, भार्गवी हूँ मैं। घास फूस खाकर बड़ी नहीं हुई हूँ, तुम सब कमीनों की हड्डी पसली एक कर सकती हूँ मैं। ज्यादा उछलने वाली हिरण को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मारना चाहिए। नवीन रेडी है क्या? रेडी हूँ दोस्त। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू मैडम। आज मैं आपका होमवर्क चेक करने वाली हूँ, इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स यहाँ रख दीजिए और आप सभी बाहर चले जाइए। भार्गवी तुमने होमवर्क नहीं किया? नहीं मैम। सूर्या तुमने? नहीं किया है मैम। दोनों बेंच पर खड़े हो जाओ। ऊपर खड़े होने से मुझे चक्कर आता है मैम। इधर आओ। हाथ आगे करो। हाथ में क्या हुआ भार्गवी? मेरे पापा ने मुझे मारा था मैम। सूर्या टिंचर और बैंडेज लेकर आओ प्लीज। ठीक है मैम। मैडम सर ऑफिस में बुला रहे हैं आपको। ठीक है। सूर्या तुम इसके हाथ में टिंचर लगाकर बैंडेज बांध देना। ठीक है मैम। ये तुमने क्या किया भार्गवी? बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें? तुम मेरे पास होते हो तो मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं होता। कम से कम अब तो बोल दो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो सूर्या। सूर्या तुम्हारी आंखों में भले ही मुझे प्यार नजर नहीं आता, पर तुम्हारी धड़कनों में प्यार सुनाई देता है, इतना ही काफी है। परसों तुझे चोट लगी थी ना, जरा दिखा दो। क्या डाल रहा है तू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अबे इतने छोटे से जख्म पर थोड़ा सा टिंचर डाला तो तू इतना चिल्ला रहा है, लेकिन भार्गवी के हाथ पर इतना बड़ा जख्म है, ढेर सारा टिंचर डालने के बाद भी उसको दर्द नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख इंसान, उसी को तो प्यार कहते हैं। अरे तू मेरी जान। बोल दो ना मुझसे प्यार करते हो। शादी होने के बाद बोल दूंगा। इतना अच्छा है ना? दीपा ये पायल देख जरा, कितनी प्यारी है ना, मुझे बहुत पसंद है।
पसंद आई तो ले लेना, पापा को बोलेगी तो दिला देंगे। कोई प्यार करने वाला दिलाए तो ही मैं इसे लूंगी, कोई ऐसा जो मुझसे शादी करे, अगर वो मुझे दिलाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ए, शादी तो तू ही करने वाला है ना सूर्या, ये पायल तू देगा तो उसे अच्छा लगेगा, जा। शादी होने के बाद दिला दूंगा यार। जैसी तेरी मर्जी। शो कैसा था? सुपर भाई सुपर। कल जो हुआ वो देखकर लगा कि वो एक एक्सीडेंट है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि तूने ये सब जानबूझकर किया तो तुझे वहीं मार देता। ये पूछने वाला तू कौन होता है? क्या लगती है वो तेरी? वो मेरी फ्रेंड है, सिर्फ इस जन्म में ही नहीं अगले 7 जन्मों तक वो मेरी दोस्त रहेगी। अगर उसके आसपास भी तू नजर आया ना तो वहीं मार दूंगा मैं तुझे। दीपा, सूर्या ने मुझे अपना लिया है, उसने मुझे अपना लिया है दीपा। तो जाना, ज्यादा देर बातें मत करना, जल्दी निकल जाना, अगर सर को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। सूर्या, क्या हुआ? शादी होने के बाद मैं ये टाई पहन नहीं पा रहा हूँ यार। क्या तुम्हारा नाम सूर्या ही है ना? जी हाँ। मेरा नाम रेशमा है, मैं हेडमास्टर की बेटी हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या अपनी कंघी दे सकते हो? श्योर। अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे इस्तेमाल करने वाली हर चीज भी सिर्फ मेरी है, कोई और छुएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बलून में मेरी सांसें भरी हुई हैं। जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी तब तक इसे बचाकर रखोगे क्या? बेटा, दीदी कहाँ है? मम्मी,
मम्मी तो खेत में गई है। मामा मामा ये जूस मेरे लिए है। हाँ, तुम्हारे और भार्गवी दीदी के लिए। जाओ ना, ग्लास लेके आओ। भार्गवी दीदी को दे देना और ये तुम पी लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। तुम बार बार भार्गवी दीदी को जूस देते हो। मैं शादी करूंगा ना, इसलिए। मैं छोटी हूँ इसलिए तुमने उस पर नजर रखा है। चॉकलेट चाहिए ना तुम्हें? हाँ चाहिए। तो जाओ जल्दी से, देख जाओ, जाओ जाओ जाओ। दीदी मामा जूस लेकर आए हैं। तुमने ऑलरेडी 2-3 बार ऐसा किया है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो? ऊंच नीच हो इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ। भार्गवी मेरी है, मेरी। दोस्त मुझे तो डर लग रहा है यार। अच्छा है ना? जा बे। दीदी मैं अभी आई। भार्गवी भार्गवी अभी तक सोई क्यों हुई है? उठ जा, स्कूल नहीं जाएगी। चल जल्दी उठ। आइए आइए भाई साहब। और क्या हालचाल? बैठिए बैठिए। क्या भोजन गया? अभी तक घर पे ही हो, खेत पर नहीं गए क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मुझे क्या हुआ है भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाजार जाकर कुछ सामान लाना था, वही बैठ के सोच रहा था। उल्टी कर रही है तो कोई डरने की बात नहीं है, खाना न पचने के कारण भी उल्टी होती है। एक काम करो, उस बच्ची को लेकर आओ, मैं नाड़ी देखकर बता दूंगा। सुनो ओबी, लाओ भार्गवी को यहाँ लेकर आओ। सुनिए भार्गवी। हाँ आजा बेटी, हाथ दिखाओ। दो जंगे मेरे साथ बाहर आओ। जी। क्या कह रहे हैं ये? बस एक मिनट में आता हूँ। क्या हुआ भाई साहब? क्या हो गया ये पूछा है? तेरी बेटी अभी पेट से है। क्या कह रहे हैं आप, पगला गए हैं क्या? मैं सच कह रहा हूँ। देखो अगर इस बारे में तुम्हारे रिश्तेदारों और गांव वालों को पता चल गया तो तेरी इज्जत का क्या होगा? नाड़ी शास्त्र में मुझे 25 साल का अनुभव है, केवल मैं नाड़ी पकड़ कर बता देता हूँ कि किसको क्या रोग है, ये बात तुझे भी पता है। मुझे जो पता चला वो मैंने तुझे बता दिया। अब तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो तेरी बेटी है, तू ही कर सकता है। सुना तुमने भाई साहब क्या कह रहे थे? क्या बेटी पैदा की है तुमने? किसने तो नाक काट दी? इकलौती लड़की है सोच के लाड़ प्यार से बड़ा किया, इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, बर्बाद कर दिया सब। भुजंग की बेटी हाई स्कूल जाकर पेट से हो गई, यही बोलेंगे गांव वाले। अब मैं सर उठा के कैसे चल पाऊंगा? कैसे जिएंगे हम लोग? अब जीना मुश्किल हो जाएगा। हे शिव जी, नहीं ऐसी बेटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरी कोई बेटी थी ये मैं भूल जाऊंगा, तुम भी भूल जाओ। किसी शमशान में जाकर इसका गला दबा दो और इसे दफना दो। मेरी इज्जत दफना दी इसने, धूप। अगर कल ये मेरी आंखों के सामने आई ना तो तुम मेरी लाश देखेगी। हाँ
क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? अरे तू मेरी बेटी है कहते हुए शर्म आ रही है। जब तू पैदा हुई थी तभी मर क्यों नहीं गई? मर जाती तो अच्छा होता। हे भगवान, कौन सी सजा दे रहा है तू हमें? समझ नहीं आ रहा। क्यों भार्गवी, ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? कोई तुझ पर भरोसा करे या ना करे, मुझे तुझ पर भरोसा है। सूर्या भी तुझ पर जरूर भरोसा करेगा। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तू टेंशन मत ले। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई, कल सूर्या अपनी माँ के साथ नागपुर जा रहा है। उसके काका की बेटी की शादी है। उसके जाने से पहले एक बार उससे मिल लेना। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूर्या, देख भार्गवी आ रही है। ये पकड़, मैं अभी आया। जल्दी आ जाना। क्या बात है भार्गवी, क्या हुआ? सूर्या, तो मुझे एक वचन दोगे क्या? एक क्या, सौ बोलो भार्गवी, मैं सब निभाऊंगा। तो फिर दो। सूर्या, अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम मेरी यादों में मत रहना, तुम मुझे भूल जाना, ठीक है? ए भार्गवी, क्या होगा तुम्हें? तुम्हें देखकर तो वो यमराज भी भाग जाएगा। प्लीज सूर्या, जो वचन दिया है उसे निभाओगे ना? आज अप्रैल फर्स्ट है ना? हे भार्गवी, तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? भार्गवी, मैं चलता हूं। जैसे मैं आ जाऊंगा तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। सूर्या, जब तुम आओगे तब मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। सूर्या, मास्टर जी तुझे बुला रहे हैं। हे, आज भार्गवी का बर्थडे है यार, मुझे वहां पर जाना है। उसके पैरों में ये पायल बांधकर, ये फूल उसे देकर पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ भार्गवी। आई लव यू भार्गवी, आई लव यू। ऐसा कहूंगा तो उसे अच्छा लगेगा ना गोपी? हे भगवान, तेरे खेल निराले। क्यों गोपी, क्या हुआ? मेरे साथ आ। क्या हुआ मास्टर जी, आपने अचानक मुझे बुला लिया? मेरे साथ आओ सूर्या, बता दो। मैं नहीं आ सकता मास्टर जी, मैं कल मिलूंगा आपसे। 5 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाओ बेटा, आओ। मास्टर जी, आप कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, बताइए ना कहाँ लेकर जा रहे हो, प्लीज मास्टर जी। गोपी, अब तू ही पूछना इनसे। आप मुझे शमशान में लेकर आए, कोई गुजर गया है क्या मास्टर जी? ओ, नाके पर रंगा दादाजी बैठते थे ना, वो गुजर गए क्या मास्टर जी? ये बोर्ड गिरा हुआ क्यों है?
तो बता दीजिए मास्टर जी। भार्गवी उठ जाओ, प्लीज भार्गवी उठ जाओ ना, मेरे लिए उठ जाओ भार्गवी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। उठ जाओ भार्गवी, प्लीज मेरे लिए उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकती। भार्गवी उठ जाओ भार्गवी। गोपी, ए गोपी, गोपी तू बोलता था ना कि उसको मंगलसूत्र बांधने वाला तू ही है यार, तूने उसको पायल दिलाने की बात की थी ना, तो बता मैं किसको दू? भार्गवी, भार्गवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक बार बोलने के लिए तुम बोलती थी ना भार्गवी, ये पापी वो बात नहीं समझ पाया भार्गवी, ये पापी वो बात नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया भार्गवी, भार्गवी उठ जाओ भार्गवी। मास्टर जी बस एक बार भार्गवी को उठा दीजिए ना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, बस एक बार उसे उठा दीजिए, आप बोलिए तो ये उठ जाएगी मास्टर जी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, उसके बिना नहीं जी सकता मैं। मास्टर जी वो पूरे स्कूल के लिए भार्गवी थी मास्टर जी, लेकिन इस सूर्या की वो धरती थी मास्टर जी, धरती थी। उठ जा, उठ जी। इस विधि के विधान के आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेटा, उठ जा, उठ जा। ये विधि का खेल, मास्टर जी प्यार को खोने का दर्द वो प्यार करने वालों को समझ में आता है, जो दर्द मैं अब समझ रहा हूँ, प्यार करने वालों के दिल को छीनने वाले इस विधि के खेल में हम जैसे प्रेमियों का धिक्कार है, धिक्कार है भार्गवी।
क्या यार, आज तो सूर्या, भार्गवी के गुजरने के बाद नंदिता मेरे पास आकर तेरे बारे में पूछ रही थी। वो तुझसे प्यार करती है, इसीलिए सब कुछ बता दिया। आई एम सॉरी सूर्या। जिस ब्रह्मा ने मेरी किस्मत ठीक से नहीं लिखी है, उस माथे पर तू क्या लिखेगा। क्या भाई, तेरी स्टाइल देख के लगा था कि तू फाइव स्टार होटल में पार्टी देगा, लेकिन तू तो ढाबे पे ले आया। क्या यार, तू तो बहुत नौटंकी बाज है। तेरी लड़की लोकल है कि फॉरेन की? क्या यार, लड़की वड़की दिखाएगा कि नहीं? अरे ये क्या, ये तो सूर्या की लवर है। हा? अरे यार, तुमने इसके साथ एंगेजमेंट की है? पूरे साल इसके साथ एंजॉय किया है। थू, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स के लायक नहीं। अरे अरे रुको, सूर्या रुकना। सूर्या सूर्या, अरे देखो सूर्या आ रहा है। सूर्या सूर्या, ए पागल, मैं लवर बॉय रंगा हूँ, डर मत, शांत रह। क्यों बे, तूने पूरे साल एंजॉय किया, हमने देखा नहीं क्या? पारो के बारे में बोला तो देवदास को बुरा लगा क्या? दूध पीने के उम्र में अल्कोहल पीकर आ गया तो हम डर जाएंगे क्या? लॉलीपॉप खाने की उम्र में हमने हथियार उठा लिए हैं, चल पीछे हट अभी। मैं हूं टिच्ची रंगा। हाँ हाँ ठीक है, बताती हूँ। हाँ पहुंच गई। हो रहा है, एक जमाने में 100-200 के लिए अपना शरीर बेच देते थे, और अब हमारी जिंदगी कैसे बदल गई, यही सोच रही हो? इन सब की वजह सूर्या है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ नंदू। सूर्या यहाँ आता था, लेकिन इसके साथ सोने के लिए नहीं, इसे बचाने के लिए। इसके अपने पति ने 2 लाख रुपए के लिए इसे बेच दिया। बहन को बचाने वाला सूर्या मेरा भाई बन गया। और एक दिन जानती हो क्या हुआ दीदी? हाँ, क्या बोला तूने, एक बार और बोल। दीदी, कितने साल हो गए इस पवित्र शब्द को सुने हुए। सभी लोग दिन और घंटे रात के हिसाब से बुलाते हैं, लेकिन ऐसे इस पवित्र शब्द के संबंध से आज तक किसी ने नहीं पुकारा। मेरे दीदी बोलने के बाद
इस मिट्टी से जो आपका लगाव है वो आपकी आंखों में दिख रहा है, और इस मिट्टी में औरत के लिए एक पवित्र स्थान है। एक औरत ही माँ बनती है, बहन बनती है, चाची बनती है, दादी बनती है, बहू बनती है, नानी बन जाती है। ऐसी पवित्र औरत को अपनी जगह छोड़कर ऐसी जगह पर आने की क्या जरूरत पड़ जाती है दीदी? कोई औरत चाह के भी इस काम को नहीं करना चाहेगी कभी भी। इस दुनिया में हम जैसे अनाथ औरतों को कभी कोई माँ और बहन की नजर से नहीं देखता। हम किसी से मदद मांगते भी हैं तो कोई हमें नहीं समझता। अचानक एक्सीडेंट में मेरे ससुर, मेरे पति को, सबको खो दिया मैंने, और मेरी बेटी और मैं अनाथ हो गए। मर जाए ऐसा लग रहा था। तब मेरी बेटी का भविष्य मेरे सामने आया, मेरी आंखों के सामने आ गया। इसीलिए मुझ में जीने की इच्छा जागी, इसीलिए मैंने काम ढूंढा, और उसके बाद मैं एक कंपनी में गई। वहाँ पर एक आदमी बोला, मैं तुम्हें काम दूंगा मगर तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें काम क्या अपनी जिंदगी भी दे दूंगा। और तब मैं उसके साथ सो गई। सुबह होने के बाद वो मुझे 5,000 रुपए देकर चला गया, और तब से मेरी ये जिंदगी शुरू हो गई। मेरी ये जिंदगी गलत है, मैं ये जानती हूँ सूर्या। बीवी की जान जा रही थी तो भी हरिश्चंद्र ने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा था। कोई भी घटना और किसी भी समस्या में हमारे आदर्श और हमारे आत्मविश्वास की बलि देना ये तो गलत है दीदी। यहाँ धरती पर औरतों ने क्या कुछ नहीं कमाया है। बदल जाइए दीदी। अगर आप बदल जाओगी तो मैं जिस बैंक मैनेजर को जानता हूँ उससे बात करके मैं लोन दिलाऊंगा। उसे कोई छोटा सा गारमेंट शॉप ओपन करके आप अपनी जिंदगी बदल दीजिए दीदी। हमारी जैसी बहनों के लिए सूर्य जैसा भाई होगा ना तो किसी बहन की जिंदगी सड़क पर नहीं आएगी। अगर दुनिया के सारे मर्द सूर्या के जैसे हो जाएं, तो कोई औरत कभी वेश्या नहीं बनेगी। आप जो कह रही हैं अगर वो सच है तो फिर मेरी एंगेजमेंट क्यों रोकी? एंगेजमेंट रोकने के लिए सूर्या ने कहा था। तुम्हें उससे इसके बारे में पूछना होगा। कहता है कि सूर्या यही कहीं है। ये सच है ना? सुनो नंदो, मेरी नानी कहती थी कि अगर हम किसी को डिच्ची मारेंगे ना तो वापस मारनी नहीं चाहिए, नहीं तो उस जगह पर सिंह उग जाते हैं। सब का कारण तो तुम्हारे पिताजी थे। उस दिन एंगेजमेंट फिक्स करने की बात कहकर तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा बेटा। मैं कारण पूछ सकता हूँ अंकल? तुम्हारी कुंडली में तीसरी शादी होने का योग मैंने देखा और ये मुझे पता है बेटा, और अभी ऑलरेडी एक गुजर गई है ना, और यही वजह है कि मैं तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ सूर्या। सूर्या, मैं ये एंगेजमेंट तो नहीं तोड़ सकता क्योंकि मेरी बेटी तुमसे
सच में बहुत प्यार करती है, इसलिए कुछ भी करके तुम्हें आगे बढ़ के कुछ भी करके इस एंगेजमेंट को तोड़ना ही होगा सूर्या, प्लीज। वो सब तो ठीक है, पर कुंडली में ऐसा क्या था? उस गलत कुंडली की वजह डीके है, ऐसा मुझे कोहली ने बताया था। इतना ही नहीं, मेरी भार्गवी की मौत का कारण वही है ऐसा मुझे पता चला, इसलिए मैं उसे मारने के लिए गया था, लेकिन मुझसे पहले ही कोतवाल ने उसे मार दिया था। इस धरती पर जीने के लिए ये काबिल नहीं था, इसलिए इसे खत्म कर दिया। सूर्या, तेरा प्रेम लोक है, हमारा पापियों का लोक। तेरी दुनिया में प्यार करने वाले मिलेंगे और हमारी दुनिया में सिर्फ मारने वाले मिलेंगे, तो अपनी दुनिया में रहेगा तो अच्छा है। तेरी दुनिया की सुरक्षा का काम मैं करूंगा, जा सूर्या। बाप रे, मतलब डीके मर गया है? चलो तो फिर हम दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। तुम तो मंगल सूत्र बांध चुके हो, अब तो सीधे सुहाग रात मनाएंगे।